नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RBSC विद HSM में। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा प्रवेश सत्र 2021 से 2022 के लिए पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इस संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे तथा सभी पहलुओं को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। एडमिशन ओपन फॉर द सेशन 2021 से 2022 दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के दौरान हमें एडमिशन पॉलिसी, रिसर्च सेंटर एंड PhD, फी स्ट्रक्चर, एडमिशन शेड्यूल, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स एंड प्रोग्राम्स के लिंक दिखाई देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिशन शेड्यूल के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय आदेश विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2021 से 2022 में BA, JMC, MA, JMC सर्टिफिकेट डिप्लोमा एवं PG डिप्लोमा के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नानुसार प्रवेश कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। प्रवेश का विज्ञापन जारी होने की तिथि है 25/7/2021। प्रवेश आवेदन शुरू होने की तिथि है 25/7/2021। प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि 31/8/2021 अर्थात 25/7/2021 से 31/8/2021 तक हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्रों की पात्रता का परीक्षण 1/9/2021 से 6/9/2021 तक। काउंसलिंग, प्रथम मेरिट सूची का प्रकाशन होगा 7/9/2021 को। काउंसलिंग एवं शुल्क जमा कराने का कार्य 8/9/2021 से 17/9/2021 तक। द्वितीय मेरिट सूची का प्रकाशन होगा 18/9/2021। काउंसलिंग एवं शुल्क जमा कराने का कार्य द्वितीय चरण 20/9/2021 से 23/9/2021 तक। तृतीय और अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन 24/9/2021 को होगा। काउंसलिंग एवं शुल्क जमा कराने का कार्य तृतीय चरण 25/9/2021 से 28/9/2021 तक। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। तो स्पष्ट किया गया है कि हमें ऑनलाइन आवेदन 25/7/2021 से 31/8/2021 तक कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम फी स्ट्रक्चर के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। BA, JMC, MA, JMC, 6 माह डिप्लोमा, 1 वर्षीय डिप्लोमा एवं 1 वर्षीय PG डिप्लोमा पाठ्य योजनाओं की शुल्क संरचना। विवरण, प्रवेश शुल्क आवर्ती एक बार दे होगा। BA जनसंचार एवं पत्रकारिता में ₹2000, MA जनसंचार एवं पत्रकारिता में ₹3000, 6 माह सर्टिफिकेट स्व वित्त पोषित शुल्क ₹2000, 1 वर्षीय डिप्लोमा स्व वित्त पोषित शुल्क ₹2000 एवं 1 वर्षीय PG डिप्लोमा स्व वित्त पोषित शुल्क ₹3000 दे होंगे प्रवेश शुल्क के रूप में। विद्यार्थी धरोहर राशि के रूप में यहाँ पर प्रत्येक पाठ्यक्रम में ₹2000 दे होंगे। कंप्यूटर लेब शुल्क, स्टूडियो शुल्क, पहचान पत्र शुल्क, विद्यार्थी दुर्घटना सुरक्षा बीमा हेतु अंशदान, विश्वविद्यालय छात्र संघ द्वारा
सदस्यता शुल्क, छात्र संघ चुनाव शुल्क, क्रीड़ा शुल्क के संदर्भ में यहाँ जानकारी दी गई है। शिक्षण शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, परीक्षा शुल्क, अंतर्विभागीय शुल्क, विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क, इस तरह से शुल्क का जो निर्धारण यहाँ किया गया है, इसके संदर्भ में हम जानकारी आसानी से ले सकते हैं। पीएचडी के संदर्भ में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। एडमिशन पॉलिसी दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। रूल्स फॉर एडमिशन सेशन 2021 से 2022। रूल्स फॉर एडमिशन टू फर्स्ट ईयर बीए जेएमसी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जनसंचार एवं पत्रकारिता। एलिजिबिलिटी, पास्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 12th ग्रेड सीनियर सेकेंडरी और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन ए 10+2 स्कीम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी विद्यार्थी को 12वीं क्लास पास होना चाहिए या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। द मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज इन एनी फैकल्टी इन 48%, इन केस ऑफ वैकेंसी ए वेवर ऑफ 3% कैन बी गिवन। तो ये स्पष्ट किया गया है कि किसी भी फैकल्टी है, यानी किसी भी स्ट्रीम का हो सकता है, चाहे आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो, 48% मार्क्स से उत्तीर्ण होना चाहिए फॉर इक्विवेलेंस विद ग्रेड 12। द स्टूडेंट हु आफ्टर पासिंग द 10th ग्रेड एग्जामिनेशन इन एडमिटेड टू ए 2 or more than 2 year कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ सच ए कोर्स पजेज द इंग्लिश सब्जेक्ट एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस डिजाइंड फॉर 12th ग्रेड फ्रॉम द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान या राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर, देन सच ए स्टूडेंट विल बी डीम्ड इक्विवेलेंट टू ए स्टूडेंट हु हैज क्लियर्ड हिज या हर 12th ग्रेड फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन टू फर्दर एजुकेशन। तो यहीं स्पष्ट कर दिया गया है कि यहाँ पर जो NCVT स्टूडेंट हैं, ओपन बोर्ड के स्टूडेंट हैं, वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दिस एलिजिबिलिटी विल बी ड्यू ओनली वेन द इंग्लिश सब्जेक्ट एंड ITI एग्जामिनेशन हैव बीन पास्ड इन द सेम ईयर और द इंग्लिश एग्जामिनेशन हैज बीन पास्ड आफ्टर पासिंग द ITI एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड द 2 or more than 2 year कोर्स बिफोर या आफ्टर द ऑर्डर रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT आफ्टर पासिंग दियर 10th ग्रेड एग्जामिनेशंस विल बी granted equivalence with 12th grade only after passing the English examination conducted by the Rajasthan State Open School. Students who have passed 3 year course recognized by the All India Council for Teacher Education AICTE after passing the 10th grade examination will be considered equivalent with 12th grade for the purpose of admission to further education. तो यहाँ पर जो एजुकेशन के संदर्भ में है जानकारी दी गई है, यहाँ वेटेज रखा गया है। फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन मेरिट विल बी डिसाइड ऑन द कंबाइंड मार्क्स ऑब्टेन इन द एंट्रेंस एग्जाम 70%, 70% जो वेटेज है एंड एलिजिबिलिटी एग्जाम 30% का जो वेटेज है यहाँ रखा गया है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन टाइम लिमिट ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी 1 hour एंड इट विल कंसिस्ट ऑफ 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 100 मार्क्स ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 marks देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया जाएगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो अवधि है 1 घंटे की रहेगी, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे और टोटल जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का रहेगा, प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो 2 मार्क्स का यहाँ पर रहेगा।
और इसमें किसी भी प्रकार की जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं है। क्वेश्चंस इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक अंडरस्टैंडिंग 10 क्वेश्चन, एनालिटिकल एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन एंड जनरल नॉलेज 30 क्वेश्चन। तो यहाँ पेपर का जो पैटर्न है वो दिया गया है। डिटेल सिलेबस फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, लिंग्विस्टिक अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल एंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज के संदर्भ में यहाँ जो सिलेबस है वो दिया गया है, इसका अवलोकन अवश्य करें। अब बात करेंगे हम, एप्लीकेशन फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी फिल्ड थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग द कैंडिडेट विल प्रेजेंट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलोंग विथ हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी उस समय हमें ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रस्तुत करने होंगे। रूल्स फॉर एडमिशन टू एमए जेएमसी फर्स्ट ईयर, तो एमए में जनसंचार एवं पत्रकारिता में आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी में क्या योग्यताएं होनी चाहिए। शुड बी ए ग्रेजुएट, पास्ड 10+2+3 और मोर देन 3 ईयर कोर्स ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी फैकल्टी हैविंग पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी ग्रेजुएट होना चाहिए। और स्कीम यहाँ रखी गई है 10+2+3 जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन होना चाहिए। द मिनिमम एलिजिबिलिटी परसेंटेज इन 48 इज 48% इन केस ऑफ वैकेंट सीट ए वेवर 3% कैन बी गिवन। तो यहाँ रिलेक्शन दिया जा सकता है, अगर सीटें खाली रहती है तो 3% का जो रिलेक्शन यहाँ मिल सकता है, अन्यथा यहाँ पर जो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी जो परसेंट है 48% यहाँ रखी गई है। एनी कैंडिडेट हु हैव पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी विल गेट नॉट मोर देन 2 चांस इन 2 पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट और इन 1 पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट एंड 1 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा फॉर गेनिंग एडमिशन टू द फर्स्ट ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। तो हम यहाँ इसके संदर्भ में जानकारी ले सकते हैं। वेटेज दिया जाएगा, तो यहाँ 70% वेटेज एंट्रेंस एग्जाम का रहेगा और 30% वेटेज जो एलिजिबिलिटी जो एग्जामिनेशन है ग्रेजुएशन है उसका रहेगा। 1 घंटे का पेपर होगा, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्जाम की अगर बात करें तो यहाँ पर के संदर्भ में जानकारी दी गई है। फी स्ट्रक्चर फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जनरल रूल्स ऑफ एडमिशन के संदर्भ में यहाँ जानकारी दी गई है। द फी फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन द सेशन 2021-2022 आर डिटरमाइंड एज फॉलोज। तो एप्लीकेशन फॉर 1 प्रोग्राम जर्नल एंड बैकवर्ड क्लास के लिए 500 रुपये हैं और SC/ST के लिए 350 रुपये। एप्लीकेशन फॉर 2 प्रोग्राम 600 रुपये एंड फीस यहाँ रखी गई है 450 रुपये SC और ST के लिए। एप्लीकेशन फॉर 3 प्रोग्राम्स के लिए 700 रुपये जर्नल एंड बैकवर्ड क्लास एंड ST/SC के लिए 550 रुपये निर्धारित किए गए हैं। अन्य जो सूचनाएं यहाँ पर दी गई है एग्जामिनेशन से संबंधित, रिजर्वेशन जो है राजस्थान जो रूल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की जो रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ रखा गया है। तो इसके संदर्भ में हम यह जानकारी ले सकते हैं। वेटेज ड्यू टू द कैंडिडेट फॉर अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी, तो यहाँ खेल के संदर्भ में जो छूट दी गई है उसके संदर्भ में जानकारी यहाँ ले सकते हैं। नेम ऑफ द स्पोर्ट जो खेल हैं जिनमें छूट दी जा सकती है उन खेलों का जिक्र यहाँ किया गया है।
इम्पोर्टेंट अंडर द स्पेशल सर्कमटांशंस ऑफ कोविड 19 पेंडेमिक अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंडक्टेड इन सेशन 2021 to 2022. Therefore, admission in this session will be based on percentage of the qualifying examination. तो स्पष्ट किया गया है कि 2021 से 2022 में जो सरकमटांसेन है कोविड 19 की जो परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा. तो ऐसी स्थिति में जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के आधार पर तैयार की जाएगी, यानी जो परसेंटेज है उसके आधार पर ही मेरिट लिस्ट यहाँ तैयार की जा सकेगी. तो यहाँ जो महत्वपूर्ण बातें हैं कही गई हैं. अब बात करेंगे हम अप्लाई नाउ, अप्लाई के संदर्भ में. तो अप्लाई नाउ पर हमें क्लिक करना होगा. प्रोग्राम्स के संदर्भ में हम यहाँ जानकारी ले सकते हैं. प्रोग्राम्स पर हमें क्लिक करना होगा. क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का जो इंटरफेस है दिखाई देगा. यह हम देख सकते हैं सर्टिफिकेट प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, डिप्लोमा इन ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, पीजी डिप्लोमा इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग, पीजी डिप्लोमा इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म. ग्रेजुएशन की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स यहाँ दिए गए हैं. मीडिया है, कम्युनिकेशन है. पोस्ट ग्रेजुएट के संदर्भ में हम यह जानकारी ले सकते हैं. एमए, जेएमसी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. रिसर्च पीएचडी के अंदर, इसके संदर्भ में हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे. अब बात करेंगे हम आवेदन कैसे किया जा सकता है. आवेदन करने के लिए हमें अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा. क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा. एडमिशन फॉर्म सेशन 2021 से 2022. फी स्ट्रक्चर, न्यू एप्लीकेशन एंड रजिस्टर्ड एप्लीकेंट टू फिल द न्यू एडमिशन फॉर्म अप्लाई, दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा. क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जहां पर हमें अपने ऑलरेडी इनरोल्ड इन द यूनिवर्सिटी, तो आपको यहां पर यस और नो करना होगा. इसके पश्चात हमें एप्लीकेंट नाम लिखना होगा, कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, माइनॉरिटी सेलेक्ट करनी होगी, मदर्स नेम, कैटेगरी ए कैटेगरी बी के संदर्भ में यह जानकारियाँ दी गई हैं. फादर्स नेम DOB हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे. एप्लीकेंट वोटर ID हम यहाँ फिल करेंगे. जेंडर को हम सेलेक्ट करेंगे. इसके पश्चात मेरिटल स्टडी स्टेटस चेक करेंगे और इसके पश्चात हमें यहाँ पर पेरेंट्स, गार्जियन, इनकम टैक्स पेयर, तो यहाँ पर हम यस और नो करेंगे. कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ दी गई है, फिल करेंगे, जिसमें ईमेल एड्रेस है, लोकल एड्रेस है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एरिया, नेशनलिटी इन राजस्थान, डोमिशियल, अप्लाइंग प्रोग्राम, किस प्रोग्राम के लिए हमें आवेदन करना चाहिए और मीडियम क्या रहेगा. यह हम देख सकते हैं किन किन के लिए जो आवेदन है यहाँ आमंत्रित किए गए हैं. तो यहाँ पर PhD, MA, JMC, BA, JMC, PG, डिप्लोमा, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट के लिए जो आवेदन है यहाँ आमंत्रित किए जा रहे हैं. इसके पश्चात इन परसुइंग यस या नो. एजुकेशन एलिजिबिलिटी, मार्कशीट 500 KB की जो साइज़ है वो हम यहाँ अपलोड कर सकते हैं JPG फॉर्मेट के रूप में. तो सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी है. डॉक्यूमेंट्स हैं जो आवश्यक है हमें, एप्लीकेंट कलर, पासपोर्ट साइज, फ़ोटो. चूज़ फाइल पर क्लिक करके हम आसानी से फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं. NCC गेम्स, नेशनल अवार्ड एक्सेट्रा हो तो फाइल भी हम यहाँ अटैच कर सकेंगे. डिक्लेरेशन फॉर्म है, एग्री एंड सबमिट पर क्लिक करके हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म आसानी से फिल कर सकते हैं. एप्लीकेशन फॉर्म फिल के संदर्भ में भी हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे. रजिस्टर्ड एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे. लॉगिन होने के पश्चात इस प्रकार का जो इंटरफेस है दिखाई देगा, जहां पर हमें लॉगिन डिटेल, जिसमें DOB है और एप्लीकेंट मोबाइल नंबर है, फिल करेंगे और इसके पश्चात लॉगिन होके हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म आसानी से फिल कर सकते हैं. फी स्ट्रक्चर यहां पर हम क्लिक करेंगे. क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा, जहां पर फी स्ट्रक्चर के संदर्भ में हमें जानकारी मिल जाएगी. यहाँ हम देख सकते हैं अप्लाइंग फॉर वन प्रोग्राम के लिए ₹500 हैं. जनरल एंड OBC, SC ST के लिए ₹350 हैं.
अप्लाइंग फोर टू प्रोग्राम्स के लिए 600 रुपये हैं और यहाँ 450 रुपये, फोर थ्री प्रोग्राम्स के लिए 700 रुपये और यहाँ 500 रुपये। बी ए जेमसी और एम ए जेमसी के लिए फॉर ऑल डिप्लोमा एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए जनरल एंड ओबीसी 350 रुपये एंड एसटीएससी 250 रुपये। पीएचडी प्रोग्राम के लिए 3000 जो फीस है उसका निर्धारण किया गया है। पीएचडी प्रोग्राम्स के संदर्भ में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण एडमिशन प्रोसेस के संदर्भ में विस्तारपूर्वक चर्चा की। आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी से संबंधित अलग से एक टेलीग्राम ग्रुप का निर्माण कर दिया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। अतः फ्यूचर में किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, बेल आइकन को प्रेस करने के पश्चात ऑल पर क्लिक करें ताकि सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचाए जा सके। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSE with HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।